नहीं मैं तो देखो बलजिंदर कौर होना ने गुंडा टैक्स का इशू विधानसभा उठाया वा और सीबीआई की जांच आप खुद मंग रही है। इसलिए जिहड़ा इस देश में लीडर आ मैं दावे ना कह सकता जिहड़ा सीबीआई की जांच सब भजदे ने सीबीआई तो अज भी साड़ी मैं इन्हां दी तायीद करदा इन्हां दे बयान दी कि अगर तुहानूं लगता कि साडे चों कोई जिद्दां बॉम्ब मोड़ बंब कांड दे विच झूठा इल्जाम लाता जिहड़ी मर्जी एजेंसी तों जांच करा लो। तथ्य ने गुंडा टैक्स ते कि वड्डे वड्डे ताकतवर लोग इहदे विच इनवॉल्व ने। जिद्दां मैं बोलदे कहा वा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट विच एक मिनिस्टर दूजे मिनिस्टर नूं कह रहा सामने वित्त मंत्री नूं कि तुहाडे साले जोजो दा नाम आ रहा इहदे विच। चीफ मिनिस्टर साहब कहिंदे आ डीजीपी नूं टैलीफोन मिलाओ, टैलीफोन मिला के कहिंदे गुंडा टैक्स इमीजिएटली बंद होना चाहिए। यह गल होगी 8-10 दिन पुरानी तो गुंडा टैक्स की खबरें तो अच्छ भी आ रही। अच्छ मैं 4 बजे रिफाइनरी में जा रहा वा, क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि ये सारे आप इनवॉल्व ने। मैं एक नाम लिया हूँ इतों आदनिया का पप्पी। पप्पी कौन है? पप्पी इज रणिंदर सिंह टिक्कू का खासो खास बंदा, वह नाम आ रहा ये। और जे 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 पप्पी आदनिया का नाम आ रहा, यह मतलब टिक्कू का नाम आ रहा। जो टिक्कू आ रहा दैट मीनस अमरिंदर सिंह इज इनवॉल्व। इस तो पहला अमरिंदर सिंह साबित कर चुके ने राणे गुरजीत के कांड में 10 महीने राणे गुरजीत को बचाते रहे। क्यों? क्योंकि आप अपनी इनवॉल्वमेंट से राणे के थ्रू फाइनैशियल इनवॉल्वमेंट से जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर के मिनिस्टर की अपनी इनवॉल्वमेंट फाइनैशियल आ गई है वो कि बंद करा लेंगे सारे कामों। और मैं एक अज इतने तुहाडे जरिए होर मंग मैं उत्थे बठिंडे भी कहना वा गुंडा टैक्स कह के कि उदा ही करी जाते इधर उधर। मैं कहना कि जे हुण चीफ मिनिस्टर को पता लग गया कि गुंडा टैक्स ग्राही हो रही, मन गया वो डीजीपी कहता ही मस्ट टैल द पीपल ऑफ पंजाब के पिछले किन्ने देर तो गुंडा टैक्स चलता सी इत्थे पंजाब च, कौन कौन लोग गुंडा टैक्स की ग्राही कर रहे थे, किन्ना अमाउंट सीगा, और वो अमाउंट जिहड़ा गुंडा टैक्स इकट्ठा किया चाहे वह कॉन्ट्रैक्टर्स तो किया किसी तो किया गुंडा टैक्स का पैसा रिकवर किया जाना चाहिए वरना वो दा कोई एक्शन नहीं समझा जाऊगा। राणा गुरजीत बारे मैं हुण की कहना, वो कहिंदे अंग्रेजी मैं उदन भी सुनाया सीगा दैट देयर इज नो पॉइंट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। जिहड़ा घोड़ा घोड़ा ऑलरेडी खत्म हो चुका उहदा देयर इज नो पॉइंट। पर वो कहिंदे ने कि जो करोगे वह भुगतोगे, जो बीजोगे वह वढ़ोगे। और इन्होंने सारी भ्रिष्टाचार से ठगियां ठोरियां से फ्रॉड बीजे ने वो वढ़ रहे। मैनूं इह मौड़ बारे मैं पहली गल तो कह सकदा कि साडी हमदर्दी है उन्होंने नाल। मैं उन्होंने घरां च भी गया सीगा, मैं जसकरन दे भी घर गया वा। और बड़े अफसोस की गल है कि साल तो वध समा हो गया तो मौड़ बारे हले उन्होंने कुछ पता ही नहीं गा। कारण ये पिछे स्पष्ट कारण आ कि ये पिछे कोई ना कोई पोलीटिकल कॉन्सपिरेसी आ। ये हुण गवर्नमेंट ही दस सकती है ना जी। कांग्रेस का उम्मीदवार कहता मैनू मारन की साजिश सी। एक पासे जिहड़ी कार आई आ डेरे दे नाल कनैक्शन जुड़ रहा वा। सो चीफ मिनिस्टर मस्ट टैल द पीपल ऑफ पंजाब के इहदे पिछे की साजिश सी, कौन आ? और पहला इलैक्शनां विच इस नूं पोलीटिकल मुद्दा बना के सारे ने आम आदमी पार्टी के सिर जड़ दिता और साडा सारी शहरी पंजाब की वोट नूं डराउण दे मनसूबे दे नाल दोनों पार्टियां ने जॉइंटली अटैक किया। तो हुण 12-13-14 महीनों तो बाद दस नहीं रहे कि मौड़ बंब कांड दे विच कौन रिस्पोंसिबल आ। और इन्नी लंबी जांच असीं तां बहुत बार कह चुके हैं कि इहदी सीबीआई तो जांच करा लो, टाइम बाउंड जांच कराओ जिन्हां लोगों और जिन्हां दे नाल बेइंसाफी हुई है, जिहड़े बच्चे मरे ने उन्होंने जिहड़ी उन्होंने कॉम्पनसेशन जिहड़ी उन्होंने एक्शन कमेटी बनी है वो कॉम्पनसेशन उन्होंने मिलनी चाहिए आ। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स मिलने चाहिए आ क्योंकि कसूर किहदा वा? कसूर सिस्टम का वा, कसूर गवर्नमेंट का वा जिहड़ी ना बंब रोक सकी तो ना बंब चलाउण वाले दोषियों अज तक पड़ सकी। देखो मैं आप डिस्कस किया बलजिंदर कौर जी नाल, इन्हां दी हले एसडीएम ने रिपोर्ट ली है। एसडीएम हैज फॉरवर्डेड दैट रिपोर्ट टू द डिप्टी कमिश्नर नो एंड आई वॉन्ट टू से कि लैट्स ऑलसो प्रज्यूम कि एसडीएम ने एक इनकुआरी शुरू। पहली गल तो एसडीएम जिहड़े ने पंजाब दे वो पंजाब सरकार दे अफसर ने। पंजाब सरकार दा अफसर किदां दा काम कर सकदा सारी दुनिया नूं पता वा। पर यह भी मान लीए कि एसडीएम ने कोई रिपोर्ट दिती है, बलजिंदर कौर एमएलए दे कोल लीगल ऑपरचुनिटीज़ हन। शी कैन मूव द हाई कोर्ट, शी कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट। अंटिल एंड अनलैस कोई इंडाइटमेंट जी किसी इस लैवल तो आऊगी दैन द पार्टी कैन ओनली थिंक। हले कोई इस तरह की गल नहीं। और मैं फिर मैं अफसरों के इनकुआरियां डाउट करना चाहता पंजाब पुलिस से पंजाब की सरकार के किहड़े अफसर से किहड़े लोगों पंजाब दियां नूं यकीन आ जी। देखो ये तो सारिया गल् हूँ नज़र आ ही रही वा कि कितने ना कोई तार तो कितने पोलीटिकल जुड़ी हुई है इस वे कांड की। और कैप्टन अमरिंदर सिंह हूँ इन्नी देर हो गई आ जे वो चीफ मिनिस्टर के बतौर इन्ने महीनों च केस ही नहीं क्रैक कर सके, उन्होंने सारी पुलिस क्रैक नहीं कर सके। मेरा मानना वा कि गवर्नमेंट नूं सब कुछ पता हुंदा वा
गवर्नमेंट राइट ऑपरचुनिटी जो पोलीटिकल लाह मिल सकता उस सियासी रोटी चकी जा सकती उस वेले सारी गल्लां डिस्कलोज कर दी। कांग्रेस के एक सबका मंत्री अपनी सरकार बारे की समझते हैं तुम सारे ने सुन लिया पढ़ लिया। असं इस मसले को पंजाब विधानसभा उठावे भी और यदि टाइम बाउंड कोई रिपोर्ट इट हैज़ टू कम। लाइकवाइज बैबल कलांड कांड में जो दो सिख नौजवान मर गए अज तक पुलिस ने गोली चलाई है लेकिन अज तक कोई नामजद ही नहीं किया बंदा है। दुखदाई गल की हो सकती है इस इशू से गवर्नमेंट मतलब अमरिंदर सिंह मौड़ बंब कांड की इन्वेस्टिगेशन लेके बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। शुड इन्वेस्टिगेट इमीजिएटली एक्सपेडाइट द इन्वेस्टिगेशन एंड कम आउट विद द फैक्ट्स कौन रिस्पोंसिबल है। पांच बच्चे मरे ने दो वे आदमी मरे ने सत्त बंद कतल होया पंजाब कोई पुछने वाले कोई नहीं गा। जी मुतलक मैं कह दिना तुहानू कि जिहड़े SCPC दे प्रेजिडेंट का बयान आया ना मंदभागा वा वह सियासत तो प्रेरित है क्योंकि मैनू नहीं नज़र आता कि कभी जी ने किसी पार्टी नाल वितकरा सारयां नू अप्रोप्रिएट टाइम दिंदे रहे ने। धार्मिक संस्थावां धार्मिक फंक्शनस चाहे वह कोई जोड़ मेले ने सारा कुछ हर एक गल नू कवरेज दिंदे। मैनू कितें इदां नहीं लग्या जो उन्होंने कहा कि पंथ विरोधी कोई एक्टिविटी की। आई हैव नॉट नोटिस एनीथिंग देयरफॉर आई फील के SCPC का प्रेजिडेंट एक्चुअली जो है वह पपेट है। हुण वह सुखबीर सिंह बादल की एक लिफाफे कल्चर की पैदाइश है उन्होंने जो पिछों उन्होंने कहना उन्होंने कह देना अगर नहीं उदा कारण पता की है जी कि जदों पिछे हरजीत सिंह सज्जन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए थे तो अमरिंदर सिंह ने तोहीन की उन्होंने एवं कहता है खालिस्तानी है जी ये फलाने अराजकता फैलाने वाले ने। मैं समझदा कि कितने ना कितने वह खमियाजा अमरिंदर हुण भुगतना पै रहा वा क्योंकि आफ्टरऑल जे पंजाबियों की तोहीन कैनेडा च वसदियां की तोहीन करेगा अमरिंदर तो उन्हों का प्राइम मिनिस्टर अक्सर उन्होंने जवाबदेह आ। हुण वो आए ने पंजाब ने अमरिंदर सिंह की हैंकड़ करके एक ऑपरचुनिटी मिस की है। असी बहुत सारिया संधियां कैनेडा ना कर सकते एग्रीकल्चर कर सकते इमीग्रेशन लॉज कर सकते बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सारी ऑपरचुनिटी मिस होगी सिर्फ साड़ी आकड़ दे करके। और मैं पहला अपनी स्पीच भी कहा कि जे हरजीत सिंह सज्जन खालिस्तानी सी तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1994 अमृतसर ऐलाननामा क्यों पढ़िया तो क्यों उत्ते साइन किए उसके विच भी मांग खालिस्तान दी सी। मैं तो मेरा सवाल सर यह सी भी उन्हां दे किसी भी शेड्यूल दे विच इन्हां दा कोई नाम नहीं सी अदरवाइज उन्होंने नहीं रखा वो इन्हों इन्हां दी कीती हुई गल्लां दा इन्हां नूं जवाब इन्हां दी जुबान विच दे के गए ने। अच्छा सर एक दसो अपना अमरीका दे विच अपना मेयर आई सी हुण उत्थों थल्ले भी आ जाओ अमरीका च मेयर आई सिख है उन्हां नूं मारन दी धमकी दित्ती गई माड़ी गल है बिकॉज़ आई बिलीव के अमरीका वर्गे डेवलप्ड कंट्री विच किसी तरह की रेसिज्म किसी तरह का जात पात धर्म का वितकरा नहीं होना चाहिए और वो सिख मेयर की हिफाजत बहुत लाजमी है वरना अमरीका दे विच बहुत गलत संकेत जाएंगे। मैं पूरा आस है कि अमेरिका की गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दिस।